आज हम लोग बात करेंगे सिंपल मेकअप के ऊपर, सिंपल और नेचुरल लुक वाला मेकअप कैसे करें और किस तरीके से सिंपल एंड नेचुरल मेकअप वाला लुक करते हैं सब लोग, मेकअप जैसे चेहरे पे पता भी ना चले और मेकअप हो भी जाए, आपका स्किन इवन दिखे, डार्क स्पॉट पिगमेंट सारी चीज़ें दूर हो जाए, और कैसे कितना प्रोडक्ट यूज़ करना है सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो सिंपल लुक मेकअप करना है आपको, जैसे आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो हल्का फुल्का तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेना होता है, लेकिन हम लोग जैसे कहीं पार्टी में जा रहे हैं बिल्कुल छोटा मोटा फंक्शन है और हम लोग सोचते हैं हमारा मेकअप बिल्कुल दिखे भी नहीं और हमारा लुक भी काफ़ी अच्छा दिखे और बिल्कुल शाइनिंग सा दिखे, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग आलिया भट्ट को, उनका मेकअप हम लोग कभी भी देखेंगे बिल्कुल नेचुरल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से स्किन ग्लो करती रहती है। तो उसके लिए तो हमको चाहिए होती स्टोक क्रीम, जैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है स्टोक क्रीम के ऊपर, बट अगर आपके पास स्टोक क्रीम नहीं है और आपको इस तरीके का सेटल सिंपल लुक मेकअप चाहिए तो आप क्या करोगे, वीडियो को कर दीजिए भरपूर लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को अच्छे से सीटीएम कर लेंगे, क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जो भी स्टेप है सारे फॉलो कर लेंगे, एंड गर्मियों का सीजन चलता है तो आप कोशिश कीजिए कि आपका मेकअप जो है वो वाटर प्रूफ रहे। तो मैंने यहाँ पे सीटीएम कर लिया है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे प्राइमर। प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्राइमर आपको लगाना ही लगाना है। ओके, तो इतना सा प्राइमर मैं ले रही हूँ। ओके, ये ख़त्म होने वाला है, हुडा मूटी का प्राइमर है, काफ़ी अच्छा है। हुडा मूटी सिक्स ब्यूटी वेट एंड वाइल्ड का और लैक्मे का, ये चारों प्राइमर मैंने यूज कर लिया है, इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा है ये प्राइमर, तो आप यूज कर सकते हो। प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और अगर आपके पास स्टॉक क्रीम नहीं है और आप चाहते हो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखे, बहुत ही शाइनिंग दिखे, लगे कि स्किन ही ऐसी है, तो उसके लिए आपको स्टोक क्रीम के बिना कैसे करना है, सबसे पहले हमने प्राइमर लगा लिया, प्राइमर को अच्छे से ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम अपना फाउंडेशन लेंगे। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आप चाहते हो कि आपका फाउंडेशन ब्लैक ना पड़े एंड बिल्कुल भी केकी ना हो, अच्छे से सेटल हो, तो पहले आप सेटिंग स्प्रे फेस पे अच्छे से लगा लीजिएगा। ये सेटिंग स्प्रे है हुडा ब्यूटी का। ओके, तो सेटिंग स्प्रे हमने लगा लिया और बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको फाउंडेशन लेना है, इतना लेना है, इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि आप ज़्यादा फाउंडेशन लोगे तो ये आपके स्किन पे डार्क कर सकता है आपके स्किन को, और इतने ही फाउंडेशन में अपने गर्दन पे भी अप्लाई करना है। और इसको आप चाहो तो हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो, चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की मदद ले सकते हो, बट मैं खुद के चेहरे पर हाथों से ही ब्लेंड करती हूँ। हाथों से ब्लेंड कर लीजिए, इस तरीके से क्रीम की तरह मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। देखिए इतने से फाउंडेशन से मेरे चेहरे पे ज़्यादा पिगमेंट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा अच्छे से कवरेज दे रहा है। ये लहर ब्लैक में 9 to 5 का फाउंडेशन है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, इसको मैंने ब्राइडल्स पे भी यूज़ किया है। इतना करने के बाद आपको एक बार और सेटिंग्स पर भी फेस पे लगा लेना है, उससे क्या होगा कि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाएगा, कितना भी पसीना आएगा कुछ भी होगा ये अपनी जगह से टच नहीं होगा, निकलेगा नहीं, तो ये आपका वाटरप्रूफ हो गया है फाउंडेशन। तो इस तरीके से आप फाउंडेशन अप्लाई कीजिएगा तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको और स्किन भी काफ़ी अच्छी दिखती है, बिल्कुल फ्रेश दिखती है और बहुत कहीं पे भी ओवर नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोग अपना फेस को शाइनिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना हाइलाइटर लेंगे, हाइलाइटर को ब्रश में ले लेंगे, जैसे हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं उस तरीके से आपको हाइलाइटर यूज़ करना है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो। और हाइलाइटर लगाने से क्या होगा, आपको जितने पिगमेंट होंगे वो सारे अच्छे से हाइड हो जाएंगे। जिनके पास भी स्टॉक क्रीम नहीं है और इस तरीके से एक्ट्रेस वाला लुक चाहिए उनको, तो वो ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। देखिए हाइलाइटर लगाने के बाद मेरा फेस, मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने फेस को बिल्कुल भी सेट नहीं किया है।
तरीके से लगा लेना है। आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे में एक अच्छी सी साइन दिख रही है। अब हम लोग इसके बाद अपना फेस को सेट करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। ये VLCC का HD कॉम्पैक्ट पाउडर है, शेड नंबर 1 है मेरे फेस के अकॉर्डिंग। आप अपने शेड के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिएगा, जिसको हम लोग पूरा अच्छे से फेस पे लेंगे, इस पर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे पूरे फेस को। बिल्कुल भी हाईलाइटर ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको लग रहा है कि हमने पूरे फेस को अप्लाई कर दिया तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने इसके बाद से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है, तो बिल्कुल भी हाईलाइटर आपके फेस पे ज़्यादा नहीं दिखेगा और आपका फेस अंदर से ग्लो करेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन ही ऐसी है। और दिन के टाइम पे मैं बोलूँगी कि अगर आप हाईलाइटर लगा रहे हो तो आप हाईलाइटर को इसी तरीके से लगाइए, ऊपर से मत लगाइए। और गर्मी का टाइम चल रहा है तो आप इसी तरीके से हाईलाइटर को यूज़ कीजिए। पे आपको एक्स्ट्रा लगे वहाँ पे आप इस तरीके से ब्रश को राउंड राउंड घुमा लो, इजीली वो ब्लेंड हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाएगा। ओके, अब बारी आती है ब्लश की। तो यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया, तो हम यहाँ पे लिक्विड ब्लश यूज नहीं कर सकते। अगर आपको लिक्विड ब्लश यूज करना है तो आपको अपने बेस को रेडी करते टाइम सेट करने से पहले यूज करना। तो मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश ले रही हूँ एंड इस तरीके से अप्लाई करूँ। अगर आपका राउंड फेस है, राउंड फेस पे आपको ब्लश को हमेशा इस तरीके से तिरछे में लगाना है, और अगर आपका फेस लॉन्ग है तो आप इस तरीके से राउंड में लगाओ। बट मेरा वो हल्का राउंड में है तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। इससे पहले मैंने राउंड फेस पे कैसे हेयर स्टाइल करना चाहिए आज की वीडियो में अपलोड किया था। ये वीडियो कल जाएगी तो वाला आप देख लीजिएगा जाके, अगर आपने नहीं देखा है। इस तरीके से अगर आप ब्लश लगाते हो तो आपका फेस थोड़ा सा लॉन्ग में जाता है। बारी आती है काजल की। हाइलाइटर आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, फिर से बता रही हूँ, हाइलाइटर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आईब्रो पेंसिल से आईब्रो फिल करने के लिए आप इस तरीके से आईब्रो को पेंसिल को लो एंड जिस तरीके का शेप आपको चाहिए तरीके से आप लगा लोगे। आज मैं पतला बना रही हूँ, थोड़ा पतला आ रही हूँ। और इसको इस तरीके से ब्रश से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। उस तरीके से आईब्रो फिल कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप हमने काजल लगाएंगे। अगर आपको आईज को बड़ा दिखाना है तो आप वाइट काजल का यूज़ कीजिएगा, बट मैं यहाँ पर ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ। हम लोग लाइनर यूज करेंगे। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे जेल आई लाइनर यूज करूँगी। इसको मैंने मंगाया था मीशो से, लॉन्ग लास्टिंग जेल आई लाइनर है। ये है म्यूजिक फ्लावर का
जेल आई लाइनर है। इसको हम लोग ब्रश से यूज करेंगे, ब्रश ब्रश। ये वाला ब्रश ले रही हूँ मैं, इससे हम लोग अपना आई लाइनर लगाना स्टार्ट करेंगे। लाइनर को मैं यहाँ पे बिल्कुल पतला सा लगाऊंगी। मैं अपने हर वीडियो में बहुत लॉन्ग विंग्स निकाल के आई लाइनर लगाती हूँ, इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल सा लाइनर लगा रही हूँ। आपको जैसे पसंद हो आप उस तरीके से लगा लीजिएगा। इस तरीके से लाइनर लगा दिया है मैंने। अब मैं लोग मस्करा लगाएंगे। मस्करा है यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का 3D लेसेस वॉल्यूमलाइजर मस्करा, काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल वाटरप्रूफ है। तरीके से मैंने लगा लिया। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मैं पहले अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन के लिए इस तरीके से लिप्स को टाइट कर सकते हैं। ऐसे ही आउटलाइनर से मैं खुदा लिपस्टिक का शेड लगा ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये कलर। तो दिस इज द फाइनल लुक। अब अपने मेकअप को और भी ज़्यादा फ्रेश दिखाना चाहते हो, जैसे आपको लगे कि पूरा मेकअप करने का मेकअप थोड़ा सा डर लग रहा है, अच्छा लुक नहीं ये लग रहा है, तो आप फिर से अपना कॉम्पैक्ट पाउडर होगी एंड इस तरीके से आईज के नीचे ब्लश पे नोज पे अप्लाई कर दोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल फ्रेश दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप अपना हेयर स्टाइल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट लुक वाला हेयर स्टाइल करूँगी, रोगन हिंदी में इस तरीके से लगा रही हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। मैंने आज थोड़ी सी बड़ी बिंदी रखी है। तो चलिए मिलते हैं हेयर स्टाइल करने। तो
मेकअप करने के बाद इस तरीके से मैंने किया था हेयर स्टाइल एंड पल्लू को कुछ इस तरीके से सेट किया था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। इसके बाद मैंने लिए थे कुछ पिक, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लुक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी इस तरीके का सिंपल इजी मेकअप पसंद है वो खुद से अपना मेकअप कर पाएँ पार्लर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकेंड चैनल पर डेली ब्लॉग वीडियो एंड शॉर्ट्स वीडियो जाते रहती हैं। प्रीत तिवारी 2 सेकेंड चैनल का नेम है, तो उसे भी जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।